नमस्ते दोस्तों, टेक एडीसी ब्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अपडेट आया है फ्रेंड पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से। इन्होंने इनके स्पेशलिस्ट ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, राजभाषा अधिकारी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और बाकी भी अन्य पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्रेंड जो भी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो बैंकिंग, गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट लेवल जॉब की जो भी वैकेंसीज आएंगी आपको तुरंत अलर्ट आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट्स है 26 सितंबर 2019 है और जो लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2019। देन यहाँ पे लास्ट डेट लिखा है रिसिप्ट एंड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, ये जो सीरियल नंबर 1 से लेके 3rd पोस्ट है उसके लिए है। देन यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ फर्दर प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली। देन इसके बाद जो प्री एग्जाम्स हो सकती है या जो मेन्स एग्जाम है या जो इंटरव्यू का शेड्यूल है और बाकी की भी जो डिटेल्स है आप पंजाब एंड सिंध बैंक के वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। जैसे कि फर्स्ट पोस्ट है यहाँ पे एजीएम लॉ, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 35 से 45 ईयर्स है और यहाँ पे एक ही पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। देन यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट दिया है 30 से 40 ईयर्स एंड ये भी जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। देन यहाँ पे राजभाषा अधिकारी के लिए है, इसके लिए एज लिमिट दिया है 30 से 40 ईयर्स और ये भी जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। देन यहाँ पे लॉ मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिटेड 25 से 35। यहाँ पे एससी के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, जनरल के लिए 6 है और टोटल ये 10 पोस्ट है। देन यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑफिसर है एक पोस्ट। देन यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट, इसके लिए जो एज लिमिट है 25 से लेके 35। देन आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं, टोटल यहाँ पे 15 वैकेंसीज है। ये जो नोटिफिकेशन की लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसमें एज लिमिट है 20 से लेके 30। ये टोटल यहाँ पे 50 वैकेंसीज है, आप आपके कास्ट के अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी वैकेंसीज है, इसके लिए भी एज लिमिट है 20 से लेके 30। ये टोटल 50 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आईटी प्रोग्रामर की वैकेंसीज है, ये टोटल 30 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे राजभाषा ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर सिविल एंड टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, तो इनके भी पोस्ट है। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 168 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे अगर आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलेगा, तो आप आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दिया है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डिग्री इन लॉ 3/5 ईयर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम एंड रेगुलर है। इसी के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी लिखा है, कैंडिडेट मस्ट बी एनरोल एज एडवोकेट विद बार काउंसिल एंड मस्ट बी इन स्केल 4 CM एंड हैव एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस एज अ लॉ ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक इन द लीगल डिपार्टमेंट, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर्स कम्बाइंड एक्सपीरियंस एज स्केल 3 एंड स्केल 4। तो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरी की, इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एंड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। इसके लिए भी यहाँ पे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है या और लिखा है यहाँ पे मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग CS विद एक्सपोजर टू इन्वेस्टर रिलेशन, सेक्रेटरियल मैटर्स एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। देन यहाँ पे राजभाषा अधिकारी की पोस्ट, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री। देन यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी इन स्केल 3 इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। देन यहाँ पे फ्रेंड्स लॉ मैनेजर की पोस्ट है, फायर सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आईटी प्रोग्रामर। तो ये पूरी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। ये जो नोटिफिकेशन की डिटेल्स है फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप आपके अकॉर्डिंग वहां पे भी ये डिटेल चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे पे स्केल दिया है एजीएम के लिए है 59,000 से लेके 66,000। देन यहाँ पे चीफ मैनेजर स्केल 4 है 50,000 से लेके 59,000। देन यहाँ पे मैनेजर स्केल 3 है 31,000 से लेके 45,000। देन यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 है 23,000 से लेके 42,000। इसके अलावा बैंक के जो फैसिलिटीज, बेनिफिट्स वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड भी है, पोस्ट नंबर 1 से 6 तक यहाँ पे लिखा है 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। देन यहाँ पे 7 से 12 जो पोस्ट है इसके लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आप बॉन्ड भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्केल 5 के लिए
2 लाख का बॉन्ड है, देन यहाँ पे स्केल 4 के लिए 2 लाख का है, स्केल 1 और 2 के लिए यहाँ पे 1 लाख का बॉन्ड है, और इसका जो पीरियड है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, स्केल 5, 4 और 2 के लिए है 2 इयर्स एंड स्केल 1 के लिए है 3 इयर्स, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं AGM, कंपनी सेक्रेटरी एंड राजभाषा अधिकारी, तो इसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू रहेगी। देन यहाँ पे जो अदर पोस्ट है इसकी आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी, देन आपकी यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होने वाली है। देन आप यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी देख सकते हैं, जैसे कि गुजरात में है अहमदाबाद वडोदरा, कर्नाटका में है बेंगलुरु मैंगलोर, मध्य प्रदेश में है भोपाल इंदौर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद मुंबई नागपुर, तो आप आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये एग्जाम सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे है एप्लीकेशन फी, SC ST PWD के लिए है 150 प्लस GST, देन यहाँ पे लिखा है टोटल फी फॉर न्यू दिल्ली के लिए है यहाँ पे 177 इंक्लूडिंग GST, देन टोटल फी फॉर आउट ऑफ दिल्ली के लिए यहाँ पे सेम लिखा है 177। इसके अलावा फ्रेंड जो अदर कैटेगरी है जैसे कि OBC ओपन के लिए यहाँ पे 700 प्लस GST है, देन यहाँ पे न्यू दिल्ली के लिए भी सेम 826 है, देन यहाँ पे टोटल फी फॉर आउट ऑफ दिल्ली के लिए है 826। ये जो पेमेंट है अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग या UPI की अगर फैसिलिटीज है तो आप उसके थ्रू ये पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बैंक की वेबसाइट यहाँ पे दिया है www.psbindia.com, तो ये वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये रिक्रूटमेंट के रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स या क्वेरीज है तो यहाँ पे फोन नंबर दिया है 0112571640, देन यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिखा है ho.hid@psb.co.in, तो यहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये वीडियो को समाप्त कर देता हूँ, और आप ऐसे ही बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन सेंट्रल या स्टेट जॉब नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।